हेलो दोस्तों, स्वागत 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 सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा ऑलरेडी आपको पता है, जेई मेन के पेपर के सॉल्यूशंस की बात हम कर रहे हैं और आज की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था वो था एन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स डेरिवेटिव। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जैसा स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यू नो, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि ये तीनों ही टॉपिक थोड़ी सी बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक रहता है इनको, खासतौर पे मैथ का बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक रहता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पहले बता देता हूँ, एनसीईआरटी आपकी लाइन टू लाइन क्लियर होनी चाहिए, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। और हर एक पेपर में आप देखोगे तो दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं और ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भी इंक्लूड होता है, कुछ जगह स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं जेई मेन में। नीट में ऐसा पैटर्न नहीं है अभी, जेई मेन में कुछ बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स भी पूछी हुई है, उन स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर का थोड़ा सा भी आइडिया अगर आपको है और ऑप्शन को आप ढंग से चेक करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी हुई है और इसका मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा हुआ है, बोला है ये आपको एक बेस दिया हुआ है, इसकी प्रेजेंस में पहले रिएक्शन करवानी है, उसके बाद फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो डेफिनेटली पॉलीमराइजेशन मतलब क्वेश्चन बिलोंग्स टू पॉलीमर चैप्टर, पॉलीमर चैप्टर से ये क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है। अब पहले सबसे पहले क्या होगा, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये यहां अटैक करेंगे, ये यहां से यहां और ये वापस और ये सीएल बाहर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा एसाइलेशन, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी। और यहां मैं बोलूं यहां होगा एसाइलेशन। एसाइलेशन के बाद जो प्रोडक्ट आपका आने वाला है वो आने वाला है, ये डबल बॉन्ड एजिट रह गया, ये सीएल, यहां पे ये सी डबल बॉन्ड ओ एजिट रह गया और इधर आपके पास जुड़ गया एन एच, उसके बाद ये सी एच टू और उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ और ये NH2, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बन गया। अब दिमाग में आपके ये भी क्वेश्चन आया होगा कि सर ने इधर वाले नाइट्रोजन से क्यों अटैक करवाया, इससे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंपैरेटिव टू दिस नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन के यहां लोन पेयर है ना वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इधर से अटैक होगा। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अब इसका आपको करवाना है पॉलीमराइजेशन, वो भी कौन सा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, आप मुझे ये बताओ कि ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और ये जेड, इसका हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो कैसे करवाते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं सी एच टू सी एच और ये जेड और ये एन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे तो करवाते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है और ये लॉन्ग चेन चलती जाएगी, कंटिन्यू पॉलीमर बनता जाएगा। मैं इसी को भी इसी वैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आप देखें इधर, यहां क्या है आपके पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी और ये सी एल, और इधर आपके पास दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, फिर उसके बाद सी एच टू सी ओ एन एच टू, तो यहां से ये वाला पार्ट पॉलीमराइज होगा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन, अनसेचुरेशन अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है तो इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो, ये सी एच टू, ये वैलेंसी फ्री, ये कार्बन, ये सी एल और ये सी एल आ गया और इधर ये सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच टू सी ओ और ये एन एच टू और यहां दिखा दो आप एन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ऐसा ऑप्शन अगर आप चेक करने जाओगे तो आप देखो ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन कार्बन अपने पास आए दोनों, ये स्पेशियल लगा हुआ है डबल बॉन्ड ओ, ये रहा डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये रहा एन एच सी एन एच, उसके बाद एन एच और यहां सी एच टू एन एच टू, ये तो नहीं आएगा, ये तो गलत है, ये नहीं आएगा,
ये ऑप्शन चेक करो, NHCH2CONH2, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सिंपल सा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, पहले एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, उसके बाद फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हुआ है, ऐसे करना है आपको। यहाँ जेड ग्रुप लगाओ, अगर साइनाइड लगाओगे तो क्या बनेगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, सीएल लगा दोगे तो बेंजीन रिंग लगा दोगे तो पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा, तो ये इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात स्टार्ट करते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, आपको पीकेए का ऑर्डर यहां पे पूछा है, तो ये क्वेश्चन तभी सोल्व हो सकता है जब आपको इनका मीनिंग पता हो और इनकी स्ट्रक्चर्स पता हो। पीकेए मतलब, पीकेए का मतलब आपको पूछा है बेसिसिटी ऑर्डर, पीकेए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। होपफुली ये रिलेशन सबको आता होगा, ये जो मैं रिलेशन दिख रहा हूं कि पीकेए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ये सभी को आता होगा ये कंसेप्ट। तो बेसिसिटी, तो सबसे पहला GLY ग्लाइसिन, ASP एस्पार्टिक एसिड, LYS लाइसिन और ARG आर्जिनिन। वैसे तो अगर पता हो तो इसमें तीन तरह के एमिनो एसिड होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीन तरह के एमिनो एसिड होते हैं। कंसेप्ट सुने पहले, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल है। हमें पता है कि एमिनो एसिड में जो है वो एक COH ग्रुप, COH और NH2 ग्रुप होता है। यदि COH ग्रुप ज्यादा है NH2 से तब तो वो एसिडिक होगा, NH2 ग्रुप ज्यादा है COH से तो वो बेसिक होगा, और यदि दोनों इक्वल हैं तो वो न्यूट्रल एमिनो एसिड होगा। तो यहां ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूं तो ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है NH2CH2COH, ओनली दिस एमिनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, काइरल सेंटर नहीं होता। तो एक COH है और एक NH2 है तो न्यूट्रल हो गया ये। तो एस्पार्टिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2COH बेसिस के रिलेशन में जुड़ जाएगा, CH NH2 और ये COH और यहां CH2COH, तो यहां एक COH ग्रुप ज्यादा है तो ये हो गया एसिडिक। लाइसिन की अगर हम बात करने जाएं तो लाइसिन होता है NH2 CH2 और ये 4 CH NH2 और ये COH, यहां NH2 ग्रुप ज्यादा है तो ये बेसिकली बेसिक हो गया। आर्जेनिन मोस्ट बेसिक होता है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, इसकी होती है NH डबल बॉन्ड CH NH2, NH लगाओ डबल बॉन्ड CH NH2 लगाओ और NH एक मिनट, CH2 ये स्केलेटन जुड़ेगा CH2 का होल थ्राइज और ये CH NH2 और ये COH। मैंने पहले बोला कि स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स को याद नहीं रहती है, तो बट क्वेश्चंस जिस वे से आ रहे हैं स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इस पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्ट्रक्चर बेस्ड हैं, तो हो स्ट्रक्चर को याद करना कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मैं तो यहाँ आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा कि ये स्ट्रक्चर है, तो ये कंसेप्ट को समझिए आप, स्ट्रक्चर कैसे बन रही है वो आपको NCERT में सारी स्ट्रक्चर मिल जाएगी आपको। इनको एक बार आप स्ट्रक्चर्स को गौर से देख ले कि किसमें कितने क्या ग्रुप हैं, एसिडी कौन से हैं, बेसिक कौन से, उसी भी हो जाएगा। तो मोस्ट बेसिक तो ये वाला हुआ, हमें पता है कि ये स्केलेटन जो होता है तब वो मोस्ट बेसिक कंपाउंड होता है, क्योंकि यहां से H+ जाने के बाद इक्विलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये NH2+ बनेगा और ये इक्विलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल होगा। तो मोस्ट बेसिक है आर्जिनिन और हमें
पीके का ऑर्डर ही पूछा है, तो आर्जिनिन अगर लास्ट में देखे तो एक ही ऑप्शन में आर्जिनिन लास्ट में है। एस्पार्टिक एसिड एसिडिक हो गया, तो एसिडिक पीछे आ गया, ये एसिडिक हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये दोनों बेसिक है और बेसिक में भी आर्जिनिन ज्यादा है, तो आंसर सेकंड। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको पता हो कि आर्जिनिन मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड है, तो ऑप्शन को देख के क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, तो यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन को एक बार जरूर सरसरी नजर से देख लें, हो सकता है क्वेश्चन वहां से सोल्व हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकेंड, आपको दिया हुआ है क्लोरोजाइलिनोल, नोर एथिनिड्रोन, सल्फेपिरिडीन और पेनिसिलिन, और यहां बोला है कि उनके टेस्ट करने हैं कार्बिल एमीन टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, बेयर टेस्ट। अब इसमें आपको करना क्या है, एक वे तो है कि आपको इनकी सबकी स्ट्रक्चर याद हो, दूसरा वे थोड़े से शार्प तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करें आप, और अगर शार्प तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने जाओगे तो कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा उसको समझिएगा। क्लोरोजाइनिलोन हमें पता है कि पहले ये देखो टेस्ट, ये कार्बिलेमिन मतलब किसका टेस्ट है, NH2 ग्रुप का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका टेस्ट है, COH ग्रुप का। फेरिक क्लोराइड फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है, फिनोल कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे एल्कोल फिनोल ईथर तब भी हमने इसकी बात की थी, फेरिक क्लोराइड मतलब फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है PHOH फिनोल। बेयर टेस्ट अनसेचुरेशन, अब देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे हम अप्रोच करते हैं, हमें यह पता है कि पेनिसिलिन की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पेनिसिलिन में COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें आप एनसीईआरटी जाएं पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर देखें उसमें COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा। डी में क्यों आएगा, तो डी में क्यों दो जगह देखा है, तो इसका मतलब नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया अपना, सात तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सेकंड ऑप्शन अपना ये भी कैंसिल हो गया, क्यों आना है। ठीक है, अब दूसरा और चेक करते हैं, क्लोरोजाइलिनोल डिटोल का मिक्सर का कंपोजिशन होता है क्लोरोजाइलिनोल, उसमें क्लोरोजाइलिनोल होता है टर्पिनियोल और क्लोरोजाइलिनोल अपने, तो यहां इसमें फिनोलिक ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, फिनोलिक ग्रुप होता है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर ये वाली होती है CL CH3 CH3 OH, ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसकी क्लोरोजाइलिनोल की, और ओल पता है तो इसका मतलब ओल यही है फिनोलिक ग्रुप का, तो ए में जो आएगा वो आर आएगा, तो ए में आर यहां दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। अब बात की है नोर एथिनड्रोन की, इसमें अनसेचुरेशन होता है, सल्फापिरिडीन में एमीन ग्रुप होता है, सल्फापिरिडीन इसमें एनएच टू ग्रुप होता है, पिरिडीन भी होता है एनएच टू ग्रुप होता है, इसमें अनसेचुरेशन होता है, अनसेचुरेशन। देखो कहने को तो मैं यहां स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं, स्ट्रक्चर बना दो, पर उससे कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में सबकी मिल जाएगी, केमिस्ट्री एंड लाइफ वाले चैप्टर में जाएं वहां पे इन सभी की स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, तो मैंने बोला बी में अनसेचुरेशन है, इसका मतलब बी वाला बेयर टेस्ट देगा, बी में एस होना चाहिए, बी में एस यहां है, मतलब आंसर पता लग गया, आंसर थर्ड रहेगा, और पी एस में पी कार्बिलेमिन टेस्ट हो जाएगा, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऑल क्लियर, समझ में आ गई बात, स्ट्रक्चर को लेके ज्यादा आप परेशान ना हो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका आप देख लें कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड गिवन बिलो, ट्राइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड लिंकेज, ट्राइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड लिंकेज, टेट्रापेप्टाइड का मतलब तीन पेप्टाइड लिंकेज, पेंटापेप्टाइड का मतलब चार पेप्टाइड लिंकेज। अगर बोला है ट्राइपेप्टाइड, इसका मीनिंग यह हुआ कि तीन एमिनो एसिड है, डाइपेप्टाइड दो एमिनो एसिड है, टेट्रापेप्टाइड चार एमिनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है। ठीक है, तो यहां पे हमें पता है कि पेप्टाइड लिंकेज कौन सा है, ये वाला पेप्टाइड लिंकेज है वन, एक तो ये और ये दूसरा पेप्टाइड लिंकेज, दो पेप्टाइड लिंकेज है, क्योंकि मैंने बोला है ट्राई पेप्टाइड मतलब हैव
टू पेप्टाइड लिंकेज। इसका मतलब होता है कि उसके पास दो पेप्टाइड लिंकेज हैं। अब इसका हमें पता लगाना, तो इसका हाइड्रोलाइसिस हमें करवाना पड़ेगा, और जब हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो कैसे होगा, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, इधर OH और इधर H, यहां से भी बॉन्ड टूटेगा, इधर OH और इधर H। तो एक एमिनो एसिड तो ये बना, ये वाला एमी एमी, और ये NH2, ठीक है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये OH, एक तो ये बना, ठीक है। दूसरा इधर क्या बना, NH2, ये कार्बन, ये COH, और इधर आपके पास आया CH2OH, तीसरा ये, दूसरा ये बन गया। तीसरा आपके पास बना NH2 कार्बन, ये COH, और इधर ये ME और ये OH। अब अगर इनके नाम याद हैं तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, इनके नाम याद होने चाहिए। पहला है वेलिन, दूसरा है सेरीन, और तीसरा है थ्रियोनिन। ये वेलिन है, ये सेरीन है, और ये थ्रियोनिन है। ये सब आपको टेबल में स्ट्रक्चर दी हुई है एनसीईआरटी में, वहां से। तो ऐसा अगर हम देखें वेलिन सेरीन थ्रियोनिन, मतलब आंसर जो जाएगा वो फोर्थ जाएगा। ये हाइड्रोलाइसिस करवाया, उसके बाद हमने क्वेश्चन चेक कर लिया। अगर एक की भी स्ट्रक्चर याद हो तो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये लो वापस से क्या बोला हुआ है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए एस एन एस ई आर एसिटिक एनहाइड्राइड एक्सेस में और एन ई टी ई थ्री। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन है एसाइलेशन। बट यहां पे ये दोनों एमिनो एसिड है, दो एमिनो एसिड है, मतलब इनके बीच में यहां पे क्या है, पेप्टाइड लिंकेज यहां पे है। तो सबसे पहले ये हमें ये पता होना चाहिए कि एस्पारजीन, एएसएन का मतलब है एस्पारजीन, और एसईआर का मतलब है सेरीन। तो इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से बात करते हैं स्टार्ट। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है इनकी, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एस्पारजीन की स्ट्रक्चर ये वाली है और सेरीन की स्ट्रक्चर ये वाली है, बट उन्होंने दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, मतलब पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है, तो पेप्टाइड लिंकेज बनाओ। ये एच टू बाहर हो गया, तो इधर क्या बना, एन एच, ठीक है, सी एच, सी एच टू सी ओ NH2, और ये C डबल बॉन्ड O NH CH CH2OH और ये COH। ये वाला एमिनो एसिड आपको दिया हुआ है, जिसको रिप्रेजेंट किया है ASN और SER से। इसकी रिएक्शन करवाई है एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3CO OCH3 और 83N की प्रेजेंस में, और ये आपको दिया हुआ है एक्सेस में। तो एसाइलेशन रिएक्शन होगी। अब एसाइलेशन रिएक्शन कहां होती है, एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब जेड एच बॉन्ड प्रेजेंट हो, जेड क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, इससे अगर एच लगा हुआ है तो एच की जगह एसाइल ग्रुप आ जाएगा। तो अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूं तो यहां एसाइल ग्रुप आ जाएगा, एमाइड का नहीं होना चाहिए, एमीन का होना चाहिए, क्योंकि ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, रेजोनेंस कर रहा है, और इधर इस OH की जगह H आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नहीं इंक्लूड होगा। तो यहां से मतलब ये यहां से अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, इधर से अटैक करेगा, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा, उधर भी एसाइलेशन, इधर भी एसाइलेशन, यहां एसाइलेशन नहीं होगा। ये मैंने बोला एमीन हो, एल्कोल हो, एनिलीन हो, फिनोल हो, थायोफिनोल हो, तो यहां पे एच की जगह एसाइल ग्रुप आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम जोड़ें तो ये जुड़ जाएगा एन एच सी ओ और ये सी एच थ्री, उधर जोड़ दिया सी एच टू,
सी ओ एन एच टू, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच सी ओ एच सी एच टू ओ और ये सी ओ सी एच थ्री। एक तो असाइलेशन यहां पे किया है और एक असाइलेशन यहां पे किया है, ये आपका आंसर बनेगा। और ऐसा ऑप्शन अगर आप चेक करने जाओगे तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। देखो यहां पे देखना NH COCH3 है ये वाला, तो ये यहां भी है, और इधर देखो CONH, फिर देखो CH COH ये वाला ग्रुप, फिर CH2 ये OCOCH3, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। एनी डाउट? क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाई एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट हम यूज नहीं लेते हैं? तो देखो इधर ये टेस्ट दिए हुए, निनहाइड्रिन टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट किसके लिए होता है उसके बारे में बात करें पहले। टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो ये होता है टेस्ट फॉर प्रोटीन एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड का टेस्ट होता है, तो ये तो होगा। बोरफोइड टेस्ट क्या है? बायुरेट टेस्ट क्या है? बायुरेट टेस्ट होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट। बोरफोइड टेस्ट भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में डिस्टिंग्विश करने का मेथड है, ठीक है। बोरफोइड टेस्ट भी और जेंथो, ये सॉरी ये वाला टेस्ट फॉर पेप्टाइड लिंकेज, टेस्ट फॉर पेप्टाइड लिंकेज, तो एमिनो एसिड है तो एमिनो एसिड में पेप्टाइड लिंकेज होता है। जेंथोप्रोटिक टेस्ट, ये भी टेस्ट फॉर प्रोटीन, और ये होता है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर जाएगा हो जाएगा सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉलीमर ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या पॉलीमर होगा, पॉलीमराइजेशन करवाना है, पहले आपको ये दिया हुआ है, तो सिंपल सा रिएक्शन है ये भी, कोई रिएक्शन कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है। तो आप देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास 1 2 3 4 फोर कार्बन पे सी ओ एच और एन एच टू लगा हुआ है, तो इसको हम लिखें सी ओ एच सी एच टू सी एच टू सी एच टू और सी एच टू और ये एन एच टू, ठीक है ये वाला। इसकी रिएक्शन किससे करवाई है, एन ए एन ओ टू और एन ए एन ओ टू एच थ्री ओ, तो ये हो गया डाइएजोटाइजेशन। एन एच टू ग्रुप किसके क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, पहले डाइजोनियम सोल्ट बनेगा एल्काइल डाइजोनियम सोल्ट जो कि अनस्टेबल होगा, उसके बाद इसके जगह ओ एच आ जाएगा, तो बन जाएगा ओ एच सी ओ सी एच टू सी एच टू और ये सी एच टू ओ एच। अब इसका करवाना है आपको पॉलीमराइजेशन, ये N और यहां पे पॉलीमराइजेशन, तो सिंपल सा कंसेप्ट है पॉलीमराइजेशन करवाने का, सी ओ ये ओ एच ये सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच, ये एच एस्टर लिंकेज आएगा सी एच टू फोर और ये ओ एच। जब पॉलीमराइजेशन होगा तो यहां से एच टू बाहर होगा, इसका भी ये ओ एच बाहर चला जाएगा, इसका भी एच बाहर चला जाएगा क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो आपके पास इधर क्या आया सी ओ सी एच टू फोर एक साथ लिख दिया है ओ ये सी ओ
CH2 4 और ये O, मतलब ये वाली यूनिट जो है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये वाला पॉलीमर आपको ऑप्टेन होगा। और ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का, यहां NH2 की जगह OH आया है, ले लिया। नेक्स्ट देखें ऑप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा ऑप्शन आपके पास थर्ड ऑप्शन ऐसा है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, फिर ये केमिस्ट्री नेट लाइफ से क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री नेट लाइफ से कि कौन सा किस काम में आता है। तो आप ये देखें कि नोरएथिनड्रोन, ऑफ्लोक्सेसिन और इक्वेनिल, ये तीन ड्रग्स आपको दिए हुए हैं, कौन से ड्रग्स का क्या यूज है। तो अगर बहुत दिन में बहुत ज्यादा भी नहीं आता तो आपको इक्वेनिल का तो आता ही होगा, ये तो पढ़ा ही होगा, इक्वेनिल हाइपरटेंशन में काम में आता है। तो सी में आर वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो सी में आर दो जगह है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, आर यहां भी है और यहां भी है। ऑफ्लोक्सेसिन है जो है वो एंटीबायोटिक है, ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है कौन, ऑफ्लोक्सेसिन, ये वाला। तो बी में पी आने वाला है, बी में पी यहां दिया हुआ है, बी में पी यहां भी दिया हुआ है, नहीं यहां भी दिया हुआ है, ये तो कैंसिल कर दिया ना अपन ने, ये दोनों तो कैंसिल कर दिए। अब जो नोरएथिनड्रोन है वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, बायो के बच्चों को तो बहुत इजी रहता है ये, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, एनसीईआरटी पढ़िया समझ में आ जाएगा। तो ए में क्यों आएगा, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बात करने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, आ गया होगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज फाउंड इन आरएनए, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है, इज फाउंड इन आरएनए, आरएनए में कौन से बेस पाए जाते हैं। तो यहां देखो, ये सबको पता भी होगा कि जो डीएनए है और आरएनए है, डीएनए में है एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, एजीटीसी, ये डीएनए के बेस हैं, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। आरएनए का कुछ नहीं होता, ए जी यू सी, ए जी यू सी, एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन, मतलब थायमिन की जगह कौन आ गया, इसमें यूरेसिल होता है, और वही चार बेस होते हैं। दो तरह के बेस होते हैं, प्यूरीन बेस और पिरिमिडिन बेस। तो ये जो एडिनिन और गुआनिन है ये प्यूरीन बेस है, और थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये पिरिमिडिन बेस है, मतलब पिरिमिडिन बेस, ये है सी, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ये तो पिरिमिडिन बेस है। प्यूरीन कौन से हैं, वो है एडिनिन और गुआनिन, ये प्यूरीन वाले बेस है। तो हमें ये पूछा है कि आरएनए में कौन सा बेस होता है, तो आरएनए में हमें पता है कि आरएनए में यूरेसिल होता है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज फाउंड इन आरएनए। तो आरएनए के हमने बोला कि एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिन और थायमिन, आरएनए में चार है। अब एडिनिन और गुआनिन ये तो प्यूरीन वाले बेस है जिनमें स्केलेटन ही ये होता है, ये वाला, तो ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिया हुआ, प्यूरीन का स्केलेटन ये होता है तो ऐसा तो दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब एडिनिन और गुआनिन तो नहीं है। अब इनमें कोई स्ट्रक्चर है जो या तो यूरेसिल की है या साइटोसिन की है, वो आपको सर्च करनी है। तो देखो, मैं तीन, अगर आपने पढ़ रखा है तो मैंने तीनों बेसों की स्ट्रक्चर का एक ट्रिक देता हूं आपको, और उस वे से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखो क्या करना है, हम बात कर रहे हैं इनकी, समझ में आ गया होगा, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, कट से याद रखें, और आप ये स्केलेटन बनाएं, सिक्स मेंबर रिंग, यहां भी सिक्स मेंबर रिंग, यहां भी सिक्स मेंबर रिंग,
नाइट्रोजन 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 एनएच 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 डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ये बना लिया। इसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ यहां लगाना है एनएच टू यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां डबल बॉन्ड नहीं आ सकता तो एनएच एनएच और यहां सी एच थ्री लगा दो तो ये बन गया बन गई स्ट्रक्चर। साइटोसिन यूरेसिल थायमिन तीनों इस सीक्वेंस से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो ये बना लिया। अब आपको इनमें से चेक करना है कि कौन सा इनमें से है तो आप देखोगे तो यहां पे यूरेसिल को आप देख ली दो एनएच के बीच में सीओ है डबल बॉन्ड ओ है ऑप्शन चेक करेंगे तो ये वाला देखो ये वाला यूरेसिल है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन फाउंड इन आरएनए जो आरएनए में पाया जाता है केवल आरएनए में पाया जाता है वो है यूरेसिल। ये किसकी स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है किसकी ये तो किसी की स्ट्रक्चर नहीं है एन डबल बॉन्ड एन एन एच टू नहीं इधर आना चाहिए इसका कोई मतलब नहीं है। ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है ये थायमिन की है जो डीएनए में होता है ये वाली स्ट्रक्चर किसी की नहीं है। ओके सिंपल सा क्वेश्चन नेक्स्ट द होमोपोलीमर फॉर्म्ड बाय फोर हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड सिंपल सा कंसेप्ट है फोर हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड फोर हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड ये फोर हाइड्रोक्सी ब्यूटोनिक एसिड पॉलीमराइजेशन कराना है होमोपोलीमर मतलब एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट है ओ एच सी ओ सी एच टू और ये ओ एच यहां से ये एच टू बाहर हुआ इधर का इसका ओ जाएगा जब पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बना सी ओ सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ ये सी ओ ये सी एच टू ये सी एच टू ये सी एच टू इसका भी एच जाएगा ये ओ तो आप यहां देख सकते हो कि कौन सी यूनिट हमारे पास बार बार रिपीट हो रही है ये वाली यूनिट बार बार रिपीट हो रही है तीन तो ऐसा ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा थर्ड में तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था ठीक है नेक्स्ट ये वापस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है और शुरू के लैंग्वेज से क्वेश्चन लिया हुआ है शुरू की थ्योरी वाले पार्ट से क्वेश्चन लिया हुआ है। यहां बोला है कि एलोस्ट्रिक इफेक्ट क्या है कंपिटिटिव क्या है रिसेप्टर्स क्या होते हैं पॉइजनस क्या होता है तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एंजाइम कोवेलेंटली जब एक्टिव साइड पे कई बार मॉलिक्यूल परमानेंटली बॉन्डेड हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है तो उसको वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है उस कंडीशन में अलग डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाती है और वो पॉइजनस का काम करता है तो इसका हमें पता है कि पॉइजनस ये वाला आएगा डी में एस आएगा तो इसको हटाओ तो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से कोई एक आंसर आएगा। एलोस्ट्रिक इफेक्ट क्या है एलोस्ट्रिक इफेक्ट का हमें पता है कि मॉलिक्यूल बाइंड टू ए साइट अदर देन एक्टिव साइड जब एक्टिव साइड की जगह ना जुड़ के किसी अदर साइड पे टारगेट मॉलिक्यूल पे अदर साइड पे कोई ड्रग्स जाके एड हो जाता है तो उसको हम एलोस्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ऐसा है क्या मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम नहीं एक्टिव साइड पे नहीं होगा एक्टिव साइड पे तो कंपिटिटिव होता है एक्टिव साइड पे कंपिटिटिव जुड़ता है। एलोस्ट्रिक इफेक्ट मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू ए साइड देयर देन एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम अदर देन तो एंजाइम की जैसे एक्टिव साइड हम ऐसे दिखाते हैं ये यहां न जुड़ के इसकी नीचे वाली सतह पे यहां पे जुड़ जाए और इसकी शेप को चेंज कर दे उसको एलोस्ट्रिक इफेक्ट हम बोलते हैं। तो यहां पे आएगा आर एक आर बी का पी डी का एस रिसेप्टर अब अपने आप आ जाएगा आप देखे शायद ऑप्शन अपने पास मैच हो जाए सी का ए का आर ठीक है बी का पी यहां तक सही दिया हुआ है ए का आर बी का पी सी का क्यू डी का एस आंसर जाएगा फोर्थ। तो मतलब यहां पे आपके पास सी का आएगा क्यू मॉलिक्यूल क्रूशियल फॉर इनहिबिटर कम्युनिकेशन द बॉडी तो इसका आएगा क्यू। अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन में आप चैप्टर पढ़ें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है
मैंने सॉल्व करा दिया है, ऑप्शन को कैसे चेक करना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट पीएचबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, सभी जानते हैं। दो आपके एनसीईआरटी में दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दिए हुए हैं, एक पीएचबीवी, दूसरा नायलोन 2 नायलोन 6, ठीक है। इज को पॉलीमर, को पॉलीमर का मतलब दो डिफरेंट यूनिट है, किसका को पॉलीमर है तो सभी जानते हैं, इट इज को पॉलीमर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इसका होता है। एनसीईआरटी पॉलीमर वाला चैप्टर जाएं, वहां आपको यूनिट मिल जाएगी, और इनका पॉलीमराइजेशन एस्टर लिंकेज होता है। एस्टर लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड, यहां पे आपसे बोला है कि मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड, तो देखो इधर बेसिक स्केलेटन क्या होता है, आर सी एच एन एच टू और ये सी ओ एच, ये अल्फा एमिनो एसिड का बेसिक स्केलेटन है, अल्फा एमिनो एसिड का बेसिक स्केलेटन है। आर को चेंज करते जाओ डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड बनेंगे। अब सबसे पहला फर्स्ट आर बराबर आपको क्या रखना है कि हिस्टिडीन बन जाए, तो ये स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्टिडीन होता है, आप यहां सी एच टू लगा के ये आर जुड़ जाएगा, यहां पे आर आप वेरी कर सकते हो, डबल बोंड एन डबल बोंड और साइड में आ जाएगा एन एच, ये हिस्टिडीन। सेकंड सेरीन, सेरीन के भी मैंने पीछे भी स्ट्रक्चर बताई है, सी एच टू ओ एच जुड़ेगा, आर बराबर यहां पे जुड़ेगा सी एच टू ओ एच। एस्पार्जिन सी एच टू सी ओ एन एच टू, ये बन जाएगा एस्पार्जिन, और लाइसिन एन एच टू सी एच टू होल थ्राइज और ये सी एच टू, ये आपको आर रखना है। मोस्ट बेसिक पूछा है तो ये तो एमाइड हो गया, ये एन एच टू, ये वाला इसमें जो ये स्केलेटन है ना, ये वही है कि यहां से ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा और ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब ग्वानिडीन या ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हो, हम इस कंपाउंड को ग्वानिडीन बोलते हैं, NH2 C डबल बॉन्ड NH और ये NH2, इसको हम ग्वानिडीन बोलते हैं। और ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर क्या बोले, ये स्केलेटन अगर किसी में प्रेजेंट है ना NH और ये N, तो वो मोस्ट बेसिक होगा अदर देन कंपाउंड, तो इसमें वो स्केलेटन प्रेजेंट है, देखो सी डबल बॉन्ड एन और ये एन, तो यहां से एच प्लस और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल, सेम ऐसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो मोस्ट बेसिक जो जाएगा वो जाएगा हिस्टिडीन। स्ट्रक्चर अगर आती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन। हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी रख रखी है, तो पहले मैं इनको मिटा देता हूं, देखो हिस्टिडीन की स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो ये देखिए अपन, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी एच टू ये 5 मेंबर रिंग, N डबल बॉन्ड एन एच और ये डबल बॉन्ड और इधर से जुड़ा ये सी एच एन एच टू और ये सी ओ एच, रहेगा किस फॉर्म में, ज्विट्राइन फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एसिडिक और बेसिक ग्रुप है, तो यहां आपसे पूछा है एसिडिक सॉल्यूशन में पूछा है, तो ये रहेगा किस फॉर्म में, ये रहेगा इस फॉर्म में, और वो स्ट्रक्चर क्या आएगी इसकी, सी एच टू
ये एन एच डबल बॉन्ड एन, ये वाली, और इधर ये सी एच एन एच थ्री प्लस, और ये सी ओ माइनस, इस फॉर्म में रहेगा ये ज्योमेट्रिक फॉर्म। क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ये यहां से इसको H प्लस डोनेट कर देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका पूछा है कि इसकी स्ट्रक्चर पीएच टू पे क्या होगी, किस पे, पीएच टू, पीएच टू का मतलब कैसा सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन, कैसा हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, लो पीएच है तो एसिडिक, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज ए बेस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस, तो यहां से इस सॉल्यूशन से ये H प्लस क्या कर लेगा, उठा लेगा, तो यहां COH हो जाएगा, स्ट्रक्चर में केवल क्या बचेगा, NH3 बचेगा, और ये COH, तो ऐसा स्केलेटन देखो ये वाला रहा, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, ये यहां पे, ठीक है, आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये स्केलेटन हो गया ना CH2 NH पॉजिटिव। अच्छा यहां ये वाला हम इसको बोल ही रहे हैं, तो ये भी H प्लस क्या करेगा, एक्सेप्ट रखेगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में यहां भी H प्लस आ जाएगी, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को सिंपल सा है, ज्योमेट्रिक फॉर्म में रहेगा, एसिडिक मीडियम आपको दिया हुआ है, तो ये बेस की तरह भी करेगा, वहां से H प्लस ले लेगा, तब यहां से भी ये बेस है, ये भी बेस है, ये बेसिक ग्रुप है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो एच प्लस ये भी एक्सेप्ट कर लेगा और ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो आंसर इस कंडीशन में चला जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बोला हुआ द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फर्स्ट टू थर्ड विच रेस्पेक्ट टू पोटेशियम दैट आर अबंडेंट विद इन द सेल फ्लूइड्स इज आर, क्वेश्चन ये एक्चुअली क्वेश्चन तो ये एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक में आप जाओगे तो सोडियम और पोटेशियम आयंस के इंपोर्टेंस दिए हुए हैं लास्ट में, वहां आप इसका कंसेप्ट पढ़ सकते हो, और ये क्या है, दे एक्टिव मेनी एंजाइम्स, सही बात है, ये मेनी एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करने में ये पार्टिसिपेट होते हैं, अलोंग विथ सोडियम आयंस, मतलब पोटेशियम आयन सोडियम आयन के साथ मिलकर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यहां तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो आंसर जाएगा थर्ड, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, कंसेप्ट की कोई बात यहां नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द टू मोनोमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6,6 वेल नोन पॉलीएमाइड, एमाइड लिंकेज होता है इसमें, इसके लिए कौन से मोनोमर है, तो हम इसके लिए मोनोमर पढ़ते हैं, तो एडीपी एसिड और एक हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, एडीपी एसिड CH2 4 COH COH, दिस इज एडीपी एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एच एन एच सी एच टू सिक्स, हेक्सामिथाइलिन सी एच टू को मिथाइलिन बोलते हैं, और ये एन एच टू, यहाँ से एच टू बाहर होगा, इसका भी ओ एच बाहर जाएगा, इसका भी एच बाहर जाएगा, फाइनली बनेगा सी ओ सी एच टू फोर, ठीक है, सी ओ एन एच सी एच टू सिक्स, और ये एन एच, तो यहां पे सिक्स कार्बन इधर आए हैं, सिक्स कार्बन इधर आए हैं, इसलिए बोला नायलोन सिक्स सिक्स, तो ऐसा स्केलेटन अगर हम देखें तो ऐसा कहां दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन सेट हो रहा है कि अपना, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl, अच्छा माल्टोज क्या है,
माल्टोज, कलर चेंज हो गया, डाइसेक्राइड है क्या? माल्टोज इज डाइसेक्राइड, और इसका आपने करवाया डाइल्यूट HCl, तो हाइड्रोलाइसिस और डाइसेक्राइड का मतलब है कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट इसमें प्रेजेंट है, और क्या बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। ऑप्शन चेक करो, ऐसा दिया हुआ है क्या? डी ग्लूकोज दिया हुआ है तो आंसर जाएगा थर्ड। सिंपल कंसेप्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट 18, द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6 इज, नायलॉन 6 की क्या स्ट्रक्चर है? नायलॉन 6 होमोपोलीमर है, और नायलॉन 6 जो है वो ये वाला जो कंपाउंड है केप्रोलेक्टम, ये वाला, इसको हीट करते हैं ना तो नायलॉन 6 बनता है, दिस इज नायलॉन 6, ठीक है। तो यहां इसका पहले हाइड्रोलाइसिस होता है, यहां से टूटता है CH2 5 NH, एक यूनिट, दूसरी यूनिट लूं OH CO CH2 5, और ये NH, यहां से H2 बार, इधर ही आगे जाएगा तो OH बार हो जाएगा, तो ये CO CH2 5 NH CO CH2 5 NH। देखो ये यूनिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 6 कार्बन आए हैं, इसलिए बोला है नायलॉन 6। ऐसा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो है फोर्थ ऑप्शन में, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश, तो देखो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? फ्रक्टोज क्या है? कीटो सुगर, और ये कौन सा है? एल्डो सुगर, ठीक है। फ्रक्टोज जो है, ये दोनों जो है, अगर मैं बात करूं टोलेंस रिएजेंट, तो ये भी देता है टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, और ये भी देता है, इसमें कीटो ग्रुप होता है फिर भी ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, टोलेंस टेस्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन वाले कंपाउंड भी देते हैं, तो यहां पे टोलेंस रिएजेंट दोनों टेस्ट देते हैं, बेंडिंग सॉल्यूशन, बेंडिंग टेस्ट, ये बेंडिंग टेस्ट ठीक वैसा ही है टोलेंस रिएजेंट जो कीटोन और एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश करता है, पर बेंडिंग टेस्ट भी दोनों देते हैं, फेलिंग टेस्ट भी दोनों देते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है फ्रक्टोज में, इसलिए ये टोलेंस रिएजेंट, बेंडिंग सॉल्यूशन या बेंडिंग टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन, ये तीनों टेस्ट देंगे, इन तीनों से हम इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? फ्रक्टोज टोलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है, और टोलेंस रिएजेंट के साथ देगा तो बेंडिंग सॉल्यूशन के साथ भी देगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी देगा, ये तीनों ही रिएजेंट जनरली एल्डिहाइडिक ग्रुप के टेस्ट हैं, बट फ्रक्टोज यहां इनके साथ टेस्ट दे देता है, बट यहां पे बोला है सेल्विनोप टेस्ट, इससे हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड आएगा, ये टेस्ट किसका है? ये है एल्डोज और कीटोज सुगर में डिस्टिंग्विश करने का, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय दिस एल्डोज एंड कीटोज सुगर कैन बी डिस्टिंग्विश। चलो टेस्ट बताऊं क्या? टेस्ट बताएं, टेस्ट का मतलब क्या है?
देखो टेस्ट का एक सिंपल सा मतलब है, इसमें आप रिएजेंट है इसका रिसोर्सिनोल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl डालो। एल्डोज और कीटोज सुगर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, रिएजेंट डालो आप रिसोर्सिनोल और कंसंट्रेट HCl। जैसे आप ये डालोगे तो यहां पे आपके पास डीप चेरी कलर अगर आता है रेपिडली तो कीटो फॉर्म कीटोज प्रेजेंट। इफ रेपिडली डीप चेरी कलर ऑब्टेन देन कीटोज सुगर। अगर आपके पास रेपिडली डीप चेरी कलर आता है तो कीटोज है, और अगर स्लोअर लाइट पिंक आता है, स्लोअर लाइट पिंक कलर एपियर देन एल्डोज, तो फिर एल्डोज है। तो मैंने सेल्विनोप टेस्ट भी फटा दिया है, ध्यान दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बल्क में क्वेश्चन आए थे 2019 में, 2020 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो यहां पे सेल्विनोप टेस्ट क्या है, बाय दिस एल्डोज एंड कीटोज सुगर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इससे हम एल्डोज और कीटोज सुगर को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रिसोर्सिनोल और कंसंट्रेट HCl डालेंगे, यदि रेपिडली डीप चेरी कलर ऑब्टेन होता है तो कीटोज सुगर है, और यदि स्लोअर लाइट पिंक कलर अपीयर होता है तो एल्डोज सुगर है, तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर एक दिया है बोरफोई टेस्ट, तो बोरफोई टेस्ट है, स्क्रीनशॉट मिटाऊंगा, बोरफोई टेस्ट क्या है, बाय दिस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। बोरफोई टेस्ट से मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो यहां तो दोनों ही मोनोसेकेराइड है तो इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड सेल्विनोप टेस्ट। क्लियर, सेट है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको कुछ कैटलिस्ट दिए हुए हैं, मैच द कैटलिस्ट कॉलम विद प्रोडक्ट। तो देखो V2O5 वेल नोन है, V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम में आता है, H2SO4 फॉर्मेशन में, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या करता है, SO2 प्लस O2 इस रिएक्शन को कैटलाइट करता है, V2O5 की प्रेजेंस में होती है, SO3 बनाता है, फिर SO3 रिएक्ट करता है SO3, फिर H2SO4 पे एब्जॉर्ब होता है और क्या बनाता है, ओलियम बनाता है, फिर ओलियम का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H2SO4 बनता है डिजायर कंसंट्रेशन का। तो ये तो V2O5 वेल नोन रिएजेंट है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में काम में आता है, H2SO4 बनाने में काम में आता है, ठीक है। दिस इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, हाइडेंस पॉलीथीन बनाने के काम में आता है, तो पॉलीथीन फर्स्ट आ जाएगा, तो इसका तो आ जाएगा थर्ड, इसका फर्स्ट, PDCl2 वाकर प्रोसेस, PDCl2 वाकर प्रोसेस है, और PDCl2 वाकर प्रोसेस क्या है वो भी देख लें, वाकर प्रोसेस क्या है, जब एथेनेल की रिएक्शन PDCl2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर करवाते हैं तो एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, दिस इज वाकर प्रोसेस। तो यहां पे एथेनेल दिया हुआ है, एसिड एल्डिहाइड, ये रहा एथेनेल, तो इसका आ जाएगा सेकंड, आयरन ऑक्साइड हेबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने का मेथड, हेबर प्रोसेस, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और ये अमोनिया बनाने का मेथड, मतलब इसमें आ जाएगा फोर्थ, देख लें एम ए थर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है इन दोनों का, ए मेथड यहां भी, ए मेथड यहां भी,
बी में फर्स्ट यहां ये नहीं आएगा, सेकंड इज करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज इज एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड। सुक्रोज डाइसेकेराइड का क्या है, एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इनवर्ट सुगर, सही है, इसको इनवर्ट सुगर हम कहते हैं, क्यों, क्योंकि सुक्रोज जो है उसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, हाइड्रोलाइसिस, तो बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों इक्विमोलर बनते हैं। बेसिकली जो सुक्रोज है ना वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, मतलब इसका नेचर ऑफ रोटेशन जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और फ्रक्टोज लिवोरोटेटरी होता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रोज होती है, मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रोरोटेट करती है, इसलिए पॉजिटिव से इसको नोटिफिकेशन है इसका पॉजिटिव, डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब डी फॉर्म है, स्मॉल डी। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोज होता है और फ्रक्टोज क्या होता है, लिवोज होता है। बट यहां इनके स्पेसिफिक रोटेशन की अगर वैल्यू देखूं तो ये तो होता है 52.5 प्लस वाला डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना, और जो फ्रक्टोज है जो लिवोरोटेटरी है वो होता है 92.4। तो सुक्रोज जो डेक्स्ट्रोज थी वो उसका एक्वस सॉल्यूशन डेक्स्ट्रोज से लिवो हो गया, क्योंकि लिवो वाली वैल्यू ज्यादा है, डेक्स्ट्रोज से लिवो हो गया मतलब साइन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, डेक्स्ट्रो टू लिवो हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्ट सुगर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C1 ऑफ बीटा फ्रक्टोज, ये गलत है, यहां C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज होता है। तो आपसे नोट ट्रू, तो आंसर आ जाएगा सेकंड, ये तो राइट स्टेटमेंट था, आंसर सेकंड जाएगा। ऑन हाइड्रोलाइसिस इज प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मैंने ऊपर बताई है। इट इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर, डेफिनेटली ये नॉन रिड्यूसिंग सुगर होती है क्योंकि इसमें ये वाला स्केलेटन नहीं होता है, ये वाला स्केलेटन इसमें नहीं होता है, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आपको देखना आता होगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड, क्लियर। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पहले एल्कोहलिक केओस दिया हुआ है, एल्कोहलिक केओस क्या करता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, HX को क्या करता है, ये बाहर करता है, और फिर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए आप इधर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है आपको रिंग दी हुई है, यहां पे Cl लगा रखा है, ये Cl और यहां पे H, ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है, एल्कोली KOH की प्रेजेंस में, HCl यहां से क्या हुआ है, बाहर हुआ है और बना है ये वाला Cl, ये डबल बॉन्ड है। अब इसका क्या करवाना है, पॉलीमराइजेशन, क्या करवाना है, पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो देखो वैसे ही मैं सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं पॉलीमराइजेशन में, ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये CH3, ठीक है, और इस पे लगा हुआ है ये रिंग और इसकी पैरा पोर्शन पे लगा हुआ है Cl और यहां H, तो ये वाला पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट होगा। तो क्या होगा, कार्बन एच ये फ्री, इधर ये वाला जुड़ गया, ये Cl और ये CH, यहां पे बैलेंस कर ले आप इसको, CH है यहां पे CH और ये CH3, ये वाला ये पॉलीमर बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को बैठाना है केवल
और दोनों तरफ से वैलेंसी को क्या करना है, फ्री करना है। ऐसा ऑप्शन अगर आप चेक करोगे, तो CH3 ये वाला ये रहा, एक तरफ CH3 और एक तरफ ये पास वाले पे, और ये इधर से और इधर से क्या रह गई, फ्री रह गई। आप देख सकते हैं ये वाला CH3 पास वाले पे ये फ्री, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड। मिटाऊं सेकंड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉलीमर। आपको एक पॉलीमर दिया हुआ है और पूछा है इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो सिंपल सा है, देखो इधर, यहां हमें अमोनिया दिया हुआ है, मिथाइल एमीन दिया हुआ है, मिथाइल यूरिया दिया हुआ है, और पस दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड। तो कार्बन है ऑलरेडी, तो ये अगर एन मेथिल यूरिया मिथाइल एमीन, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो एक्चुअली में क्या है कि NH2CO NH2 और ये HCOH, इससे चेक करते हैं। तो ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है, ये जो दिया हुआ है आपको, ये है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो यहां से ये अटैक होगा, ये यहां से यहां, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा NH2CONH और ये CH2OH, ये बन जाएगा। अब ऐसी ही यूनिट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करे तो क्या ये बनता है या नहीं बनता, NH2CONH CH2OH NH C double bond O NH CH2OH, फिर वापस से HNH CONH और ये CH2OH। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब यहां से H2 बाहर जाएगा, यहां से H2 बाहर जाएगा, और आगे रिएक्शन जाएगी तो ये H भी बाहर चला जाएगा, तो इधर भी जुड़ेगा NH C double bond O NH C H2 NH C double bond O NH C double bond O NH और ये CH2 और ये OH भी बाहर चला जाएगा कंटिन्यू जब आगे पॉलीमराइजेशन होगा। तो यहां अगर बात करें तो कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है, तो क्या ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है क्या, सेम ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो पॉलीमर है, ये बना है यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये यूरिया है, और ये जो पॉलीमर है वो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोर एड्रेनलिन इज ए एन, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया है, तो इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है। आपको वो जो चैप्टर है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर है, उनके जो थ्योरेटिकल पार्ट है जहां लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी रीड करनी है वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा अगर अटेंशन हो के आप ढंग से उनको याद रखें, शॉर्ट नोट्स बनाए, तो यहां से क्वेश्चन अटेंड हो जाता है। नोरएड्रेनिल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं है, एंटी स्टामिन नहीं है, एंटा एसिड नहीं है, क्योंकि ये तीनों वेल नोन है, आप सब याद करते भी होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझाने के लिए, थ्योरेटिकल बेस है, कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो यहां से मैंने इतने क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है। आप देखो कि नहीं नहीं करते हैं, जेई मेन ने जब 2019 में जो पेपर हुए थे उसमें एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग हर एक पेपर में आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो पूछ सकता है उनकी स्ट्रक्चर, उनके टेस्ट स्ट्रक्चर होगी तभी आप टेस्ट बता पाओगे,
आपसे बोला है द पेप्टाइड दैट गिव पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड कार्बिल एमिन टेस्ट, कि कौन सा पेप्टाइड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और कार्बिल एमिन टेस्ट देता है। तो पहली बात तो इन टेस्ट का पता होना चाहिए कि ये टेस्ट क्या है। कार्बिल एमिन टेस्ट जो है वो है टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन, वो चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। ये कार्बिल एमीन टेस्ट आपने सभी ने पढ़ा भी होगा, मैं बता भी देता हूं कि कार्बिल एमीन जो टेस्ट है वो टेस्ट है क्या। 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक ले लो या एरोमेटिक ले लो, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3KOH से करवाते हो, कार्बिन के द्वारा रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो ये RNC आइसोसाइनाइड बनता है, ऑफेंसिव ऑर्डर, बेकार सी इसकी स्मेल होती है। ये टेस्ट है कार्बिल एमीन टेस्ट। दूसरा तो ये तो टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन, तो उसमें एक तो 1 डिग्री एमीन होना चाहिए उस पेप्टाइड लिंकेज में। दूसरा बोला है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ये टेस्ट है टेस्ट फॉर एल्कोहल, ये टेस्ट है एल्कोहल, बट ये एल्कोहल चाहे 1 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, कोई सा भी एल्कोहल ले सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों ही टाइप के एल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देते हैं। इसमें क्या होता है एल्कोहल, अब ये एल्कोहल चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, कोई सा भी टाइप का एल्कोहल हो सकता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट NH4 का होल ट्वाइज CeNO3 और ये 6, इसको बोलते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। इसके साथ रिएक्ट करके रेड कलर PPT ऑब्टेन, मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अगर डालें और ऑर्गेनिक कंपाउंड रेड कलर पीपीटी दे रहा है तो इसका इंडिकेशन है कि उसमें एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने टेस्ट बोल दिए कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट और कार्बिल एमीन टेस्ट क्या है। ठीक है, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, इधर भी कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का बनेगा CeNO3 का होल ट्वाइज ROH का होल ट्वाइज। ठीक है, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो रेड कलर का होगा। नेक्स्ट, तो ये टेस्ट देंगे कौन, बात तो ये है ना कि ये टेस्ट ऑब्टेन कहां से होगा, कौन देंगे पेप्टाइड लिंकेज, तो आप इस ऑप्शन को देखें। अब वही है कि इनकी स्ट्रक्चर्स आपको याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे। एल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए और एल्कोहलिक ग्रुप होता है सेरीन में। एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देखोगे, NCERT में 20 एमिनो एसिड दिए हुए हैं, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, सेरीन में। और 1 डिग्री एमीन तो हो सकता है, NH2 ग्रुप तो होता ही है, बट उसके पास एक से ज्यादा NH2 ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि एक NH2 ग्रुप तो पेप्टाइड लिंकेज में इन्वॉल्व हो चुका है। तो यहां ये समझ में आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट से ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। ये जो है सेरीन, इसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला CH2OH CH NH2 और ये COH, दिस इज सेरीन, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट। और लाइसिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है NH2 CH2 4 times CH2 CH NH2 और ये COH, दिस इज लाइसिन। तो अगर पेप्टाइड लिंकेज बना भी तो NH2 ग्रुप तो रहेगा। मान लो आपने पेप्टाइड लिंकेज अल्फा एमिनो एसिड से बनेगा, इससे बना, यहां से H और यहां से OH, ये वाला पेप्टाइड लिंकेज बनाएगा अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा पोर्शन पे यही NH2 है, तो ये एजिट रह गया, तो ये तो देगा कार्बिल एमीन टेस्ट और ये जो एल्कोहल है वो देगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकेंड। ऑल क्लियर, नेक्स्ट देखें।
एमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ, आपको पता है स्टार्च जो है उसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं स्टार्च के, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये एमाइलोपेक्टिन जो है वो स्टार्च का पार्ट है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो स्टार्च है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज जो है वो, और स्टार्च की मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है जिससे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। एमाइलोज में होता है C1C4 लिंकेज, ठीक है, ये लीनियर पॉलीमर होता है। एमाइलोपेक्टिन में C1C4 एंड C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ये लीनियर एज वेल एज मतलब ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। आप जाओगे एनसीईआरटी स्टार्च का, आप देखोगे पार्ट, तो यहां ऐसा ऑप्शन कहां है, अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज तो इसकी यूनिट हो गई, क्लियर, C1C4 एंड C1C6 लिंकेज, तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। अगर वहां एमाइलोज होता क्वेश्चन में, तो एमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज और ओनली C1C4 लिंकेज, तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहां पे देखो ब्यूना एस, ये एडिशन पॉलीमर है, एडिशन, नियोप्रीन ये भी एडिशन, और टेफ्लोन ये भी एडिशन। चलो बता भी देते हैं, नायलॉन 6 जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, तो आंसर तो इसका थर्ड जाएगा। ब्यूना एस क्या है, 1,3-butadiene, ब्यूना एस 1,3-butadiene प्लस स्टाइरीन, तो 1,3-butadiene और स्टाइरीन, दिस इज स्टाइरीन, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, ऐसे आप जोड़ सकते हो, तो ये यहां बन जाएगा आपके पास ब्यूना एस, ये वैलेंसी फ्री हो गई, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, ये इससे जुड़ गया और ये वैलेंसी फ्री हो गई। बहुत सारे इसी पेपर में पीछे कई क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। नियोप्रीन सेकेंड, अच्छा ये दोनों ही है ना, ब्यूना एस और नियोप्रीन, ये रबर है और नियोप्रीन है ना ये सिंथेटिक रबर है, ये ध्यान रखना, ये सिंथेटिक रबर है और ये कार्बन डबल बोन्ड कार्बन और ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है जिसको हम क्लोरोप्रीन बोल सकते हैं। ये क्लोरोप्रीन बोल सकते हैं, इसका जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा जुड़ेगी यूनिट, तो ये कार्बन की ये वैलेंसी फ्री हो गई, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन और इसकी वैलेंसी फ्री हो गई और यहां पे Cl और ये N, इसका नाम है नियोप्रीन। मतलब क्लोरोप्रीन का जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम है नियोप्रीन, इसका नाम नहीं है नियोप्रीन, इसको तो क्लोरोप्रीन बोलते हैं। ये जो रबर बना है आर्टिफिशियल बोल दो या सिंथेटिक रबर बोल दो, इसको हम बोल सकते हैं नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन। टेफ्लोन इसकी यूनिट होती है ये वाली CF2 टेट्राफ्लोरोएथीन, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो CF2 ये CF2 और ये यूनिट बार बार रिपीट होगी, दिस इज टेफ्लोन। नायलॉन 6,6 वेल नोन पॉलीमर है, सभी को आता होगा, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन और एडिपिक एसिड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, एमाइड लिंकेज वाला पॉलीमर है। तो यहां आपको यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीमर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट,
द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड, आपको कुछ उधर लिखे हुए हैं कुछ इधर लिखे हुए हैं कैटलिस्ट वगैरह जो भी है और इनको मैच करना है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दो तरह की पॉलीथीन हम पढ़ते हैं, लो डेंस पॉलीथीन और हाई डेंस पॉलीथीन। हाई डेंस पॉलीथीन जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पे ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो इसका तो थर्ड आने वाला है, ए का थर्ड। अगर एक भी आता है तो सोलो क्वेश्चन हो जाता है। ए का थर्ड अगर आप देखोगे तो कहां पे दिया हुआ है ए का थर्ड, तो इस ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, आपके पास ऑप्शन बचा थर्ड और फोर्थ। कॉलम मैचिंग क्वेश्चन बहुत इजी होता है, दो भी आते हैं तो ऑप्शन सेट हो जाता है, जेई मेन में, एडवांस में नहीं होता। एडवांस में तो वो आपको कंसेप्ट आएगा तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरह से सेट किए हुए होते हैं वहां पे। तो यहां पे हाइडेंस पॉलीथीन जिगलर नाटा कैटलिस्ट, और सभी जानते होंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते किसको है, टी आई सी एल फोर प्लस ए एल ई टी का होल थ्राइज, दिस इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंस पॉलीथीन फ्रॉम एथीन। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल क्या है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और ये सी एन, इसका पॉलीमराइजेशन होगा एक्राइलोनाइट्राइल, थ्री कार्बन एक्राइल सी एन का सफिक्स होता है ओ नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा सी एच टू सी एच और ये सी एन, दिस इज ये वाला। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन हुआ है, और एडिशन पॉलीमराइजेशन से वो पॉलीविनाइल क्लोराइड ले लो, पीवीसी ले लो, पीएन ले लो, पॉलीएथीन ले लो, ये परोक्साइड कैटलिस्ट होती है, तो इसका मतलब इसका आ जाएगा परोक्साइड कैटलिस्ट फर्स्ट। बी में फर्स्ट कहां दिया हुआ है, बी में फर्स्ट यहां भी दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ है। फिर नोवेल एक बेकेलाइट से पहले एक लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम नोवेल एक बोलते हैं, ये एसिड बेस्ड कैटलिस्ट होता है, नोवेलेक एसिड बेस्ड कैटलिस्ट। कैसे, जब नोवेलेक मतलब सी की बात कर रहा हूं, नोवेलेक की बात कर रहा हूं, फिनोल की रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं, एसिड बेस्ड कैटलिस्ट चाहे एसिड से करवाओ या फिर बेस कैटलिस्ट करवाओ, कोई सा भी आप कैटलिस्ट करवाओ, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है पेरा पे ऑर्थो पे, तो ये एसिड बेस कैटलिस्ट होता है। और नायलॉन जो सिक्स है, ये फोर्थ नायलॉन सिक्स जो है वो कंडेंसेशन है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका आ जाएगा सेकंड। ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको नजर आएगा थर्ड में, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। कंप्लीटली एनसीईआरटी, फुली एनसीईआरटी, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको याद है कि ये है ये है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये पूरा क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए, आरएनए के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है इट हैज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, हम पढ़ते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जिसमें एक तरफ थ्री डेज होता है एक तरफ फाइव डेज होता है, अगर स्ट्रक्चर इधर फाइव डेज इधर थ्री डेज और यहां पे बेस लगे होते हैं एजीटीसी, ये डीएनए होता है डबल हेलिक्स। आरएनए भी डबल हेलिक्स होता है, जनरली ये सिंगल स्ट्रैंड होता है बट ये डबल हेलिक्स भी होता है, डबल स्ट्रैंड भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता, कई स्पीसीज में कई जगह आरएनए भी डबल स्ट्रैंड होता है, बट क्वेश्चन ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि शुरू में इसने बोल दिया इट हैज ऑलवेज डबल स्ट्रैंड, ना ऑलवेज डबल स्ट्रैंड नहीं होगा, हमें पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट तो आंसर तो फर्स्ट जाएगा। आगे वाले स्टेटमेंट और देख लेते हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे हो ज्यादा घबराते हो, इट यूजली डज नॉट रेप्लीकेट, ये डीएनए रेप्लीकेट होता है, ये यूजुअली डू नॉट रेप्लीकेट स्टेटमेंट सही है, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल न्यूक्लियस की सेल में प्रेजेंट होता है, ये स्टेटमेंट सही है, डीएनए और आरएनए दोनों के लिए बात यही है। इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस कंट्रोल जो होता है वो आरएनए से होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन इन ऑल द पोजिशन एक्सेप्ट पोजिशन. ग्लूकोज और गैलेक्टोज है क्या? एपीमर. ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट एपीमर बताता हूं मैं, आप देखो इधर समझे. कुछ इंपोर्टेंट एपीमर्स मैं आपको बताता हूं. तो देखो इधर ग्लूकोज क्या है, CH2OH. This is D-glucose. ये स्ट्रक्चर लिखते हम. ये डी ग्लूकोज है. समझना मैं इसके साथ एक क्वेश्चन के साथ आपको दो क्वेश्चन भी फ्री दे रहा हूं, इसको समझना. दिस इज डी ग्लूकोज. अब यहां ये डी ग्लूकोज मैंने बोला तो यहां आप ये देखें कि इसमें ऑल राइट थर्ड लेफ्ट मतलब OH जो है वो एक कंसेप्ट चलता है ARTL, ऑल राइट थर्ड लेफ्ट. ए का मतलब ऑल, आर का मतलब राइट, थर्ड लेफ्ट, ऑल राइट थर्ड लेफ्ट. तो देखो ऑल राइट है, ये OH राइट में है, ये भी राइट में है, ये भी राइट में है. थ्री नंबर पे OH कहां चला गया? लेफ्ट में चला गया. तो यहां अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो देखो ऑल राइट थर्ड लेफ्ट, तीन नंबर पे OH लेफ्ट में है. ये हम डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मानते हैं. अब यहां से तीन एपीमर इसके मेन है. एक तो होता है C2 एपीमर और एक होता है C3 एपीमर और एक होता है C4 एपीमर. एपीमर का मतलब क्या है? C2 एपीमर का मतलब दो नंबर पे चेंज कर दो, C3 एपीमर का मतलब तीन नंबर पे चेंज कर दो और C4 एपीमर का मतलब चार नंबर पे चेंज कर दो. तो यहां से अगर दो नंबर पे चेंज करोगे तो C2 एपीमर दो नंबर पे चेंज करोगे तो बनता है, उसको बोलते हैं मेनोज. C3 एपीमर पे चेंज करते हो तो जो बनता है उसको बोलते हैं एलोज और C4 एपीमर पे जो बनता है उसको हम बोलते हैं गैलेक्टोज. तो ये चेंज आपको यहां करना है. तो मेनोज अगर बनाना है तो ये CHO, ये CH2OH कितने नंबर पे चेंज करना है? दो नंबर पे चेंज करना है, OH उधर चला जाएगा, बाकी एजिट रह जाएगा H, बाकी एजिट रख दो H OH OH H और ये OH और ये H. दिस इज मेनोज. एलोज में कितने नंबर पे चेंज करना है? तीन नंबर पे. अब तीन नंबर पे चेंज कर दो, इसमें OH इधर, H इधर, C4 एपीमर गैलेक्टोज बोलेंगे, चार नंबर पे चेंज कर दो. क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज कितने नंबर पे चेंज है? C4 पे चेंज है. तो बोला है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फिगरेशन इन ऑल द पोजीशन एक्सेप्ट पोजीशन. किसको छोड़कर? तो वो है C4 को छोड़कर. आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड. सॉल्व. और इसके साथ रिगार्डिंग इसका जो कॉन्सेप्ट बनता था भी बता दिया है. नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर. क्वेश्चन वैसे भी बहुत ईजी है. पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे पॉलीमर को हमने अलग अलग टाइप में डिवाइडेड किया है. फाइबर्स है, ठीक है, एक तो आपको फाइबर्स पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग, एक थर्मोप्लास्टिक. ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस. तो यहां पॉलीमर आपने फोर टाइप के पढ़े होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इनके फोर्थ में डिफरेंस क्या है, किसमें स्ट्रॉन्ग होता है, किसमें वीक होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. एक आपने पढ़ा होगा फाइबर्स, एक आपने पढ़ा होगा इलास्टोमर,
एक पढ़ा होगा थर्मो सेटिंग और एक पढ़ा होगा थर्मो प्लास्टिक। ये आपने चार तरीके से पढ़े होंगे। तो यहां ये आपसे पूछा है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इनके एग्जांपल पता होना चाहिए। इसका आंसर जाएगा, हो जाएगा थर्ड बेकेलाइट। बेकेलाइट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज, तो इसका मतलब यहां से वैलेंसी फ्री हो रही है, यहां से वैलेंसी फ्री हो रही है, तो ये क्या पॉलीमर हो सकता है? तो देखिए आप इधर, अगर मैं लूं CH3 double bond CH2, क्योंकि दो CH3 हैं, तो क्या इससे बनेगा क्या? तो इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। तो ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, यहां से वैलेंसी फ्री हो गई। इधर कौन है? ये CH2, ठीक है, ये वाला हुआ भाई। आप इसको वैसे लिखोगे तो इधर से वैलेंसी, ये इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, ये फ्री हो गई। इधर CH2 इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। ये N क्या ऐसा स्केलेटन है क्या? डेफिनेटली ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये CH3, देखो ये CH2, ये CH2 रहा, और पास वाले कार्बन पे दो CH3 और इधर से फ्री। तो यहां ये CH2 है, ये कार्बन है, और इधर से ये फ्री हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम है आइसो ब्यूटीन। तो ये जो पॉलीमर बना उसका नाम है पॉली आइसो ब्यूटीन, या आइसो ब्यूटीन और आइसो ब्यूटाइलिन भी बोलते हैं इसको। तो ऐसा देखें तो पॉली आइसो ब्यूटाइलिन नाम हो जाएगा, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की बात कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ग्लाइकोजन के लिए इनकरेक्ट है। यह चीज आप ध्यान रखें कि इनकरेक्ट पूछा है, डाउटफुल नहीं हो। ओनली अल्फा लिंकेज आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, डेफिनेटली स्टार्च एंड ग्लाइकोजन हैव सेम मोनोमेरिक यूनिट। स्टार्च में भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च है। ग्लाइकोजन जो है उसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। तो यहां फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इट इज प्रेजेंट इन सम यीस्ट एंड फंजाई, ये भी सही है। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, तो मैं बोल रहा हूं ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, तो ये भी सही है। इट इज स्ट्रेन चेन पॉलीमर सिमिलर टू एमाइलोज। एमाइलोज स्टार्च का पार्ट है, एमाइलोज स्टार्च का पार्ट है, बट ग्लाइकोजन और स्टार्च में बेसिक डिफरेंस क्या है? मोनोमेरिक यूनिट सेम है। स्टार्च प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है। बेसिकली डिफरेंस ये है कि ग्लाइकोजन आर मोर ब्रांचिंग ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन आर मोर ब्रांच्ड कंपेरेटिव टू स्टार्च। तो ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज्यादा होती है स्टार्च के कंपेरिजन में। तो यहां C1C4 में तो ब्रांचिंग होती ही नहीं है, ये तो लीनियर पॉलीमर है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आएगा फोर्थ आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। ये तीनों स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, यहां पे आपको बोला है मैच द फॉलोइंग राइबोफ्लेविन थायमिन पायरेडॉक्सिन और एस्कॉर्बिक एसिड, और इनकी से कौन सी डिजीज होती है। तो ये भी एनसीईआरटी में पूरी आपको एक टेबल दी हुई है कि किस विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। एक चीज का ध्यान रखना, राइबोफ्लेविन को हम बोलते हैं विटामिन B2 और थायमिन को बोलते हैं विटामिन B1 और पायरेडॉक्सिन को बोलते हैं विटामिन B6। ये ध्यान रखना, विटामिन B2 का अदर नेम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का नाम है थायमिन, और पायरेडॉक्सिन का नाम है विटामिन B6, और एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं विटामिन C। ये विटामिन C है।
तो ये साथ में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि उसके राइबोफ्लेविन को B2 बोलते हैं, थायमिन को B1 बोलते हैं। अब थायमिन B1 का तो सबको पता होता है कि B1 से कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी होती है। विटामिन B1 से कौन सी होती है ये सबको पता होता है। तो यहां देखें, फर्स्ट राइबोफ्लेविन, थायमिन प्रोडक्शन एस्कॉर्पिक एसिड, तो एस्कॉर्पिक एसिड से स्कॉर्पियो होती है क्या। थर्ड, यहां अगर हम बात करें कि किससे कौन सी डिजीज होगी, तो थर्ड में फर्स्ट ऑप्शन को चेक करो भाई, ये पता है एस्कॉर्पिक एसिड से स्कॉर्पियो होती है, तो ऐसा ऑप्शन यहां भी है, यहां भी है, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगर बात करें राइबोफ्लेविन से किलोसिस होता है, तो ये है। सेकंड, थायमिन से बेरी बेरी होता है, पिरिडोक्सिन से कन्वर्जेंस होता है। तो ये इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि किस विटामिन से क्या डिजीज होगी, ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, वो टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं, वो आपके सामने है, एविडेंस एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड, तो मैं रिएक्शन बताऊंगा अभी, ये स्टेटमेंट सही है। ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ HNO3, गलत है। ग्लूकोनिक एसिड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, गलत है। ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटेल हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर, ये भी गलत है, ठीक है। तो यहां अगर मैं बात करूं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की, तो आप ये देखें, ग्लूकोज ये वाला है, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे ब्रोमीन वाटर से, तो यहां ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा COH, ये CH2OH, OHH, OHH, HOH, OHH, नाम है ग्लूकोनिक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे HNO3, तो इस 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी करेगा और इस CHO का भी ऑक्सीडेशन करेगा, और दोनों तरफ COH हो जाएंगे, दोनों तरफ COH, OHH, HOH, OHH, OHH, इसका नाम है सैकेरिक एसिड, इसका नाम है एल्डोनिक एसिड, दूसरा नाम है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखें, ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियली ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, सही बात है। जब केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया तो ग्लूकोनिक एसिड बना, सही बात है। अगला स्टेटमेंट बोला था, ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3, HNO3 से अगर मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो, और अगर इसकी रिएक्शन HNO3 से करूंगा तो भी यही बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन करूंगा HNO3 से तो भी यही बनेगा, तो HNO3 में तो सैकेरिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड नहीं बन रहा, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट बोला है, ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3, गलत हो गया। ग्लूकोनिक एसिड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ग्लूकोनिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, हां सैकेरिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटेल और हेमिसिटेल स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक एसिटेल और हेमिसिटेल की तो मैंने बात की नहीं यहां पे, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, देखें और समझें। क्या दिया हुआ आपको, एक कंपाउंड दिया हुआ है, तो इस कंपाउंड को पहले लिखते हैं अपन। ये दिया हुआ आपको
रिंग दी हुई है और 1-2 पोजिशन पे ये ग्रुप लगे हुए हैं। ओ एच ओ सी ओ सी एस थ्री, फिर यहां पे ओ सी एस थ्री की पैरा पोजिशन पे ओ सी एस थ्री लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पैरा पोजिशन पे लगा दिया मैंने ओ सी एस थ्री, ये दिया हुआ है आपको। सबसे पहले दिया डाइल्यूट HCl, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस किस किस का होगा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा और इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा, और ये बॉन्ड भी यहां से टूट जाएगा, इधर एच इधर ओ एच, और ये भी टूट जाएगा इधर H और इधर OH, ये दोनों ही टूट जाएंगे। तो पहला जो प्रोडक्ट बना वो ये वाला बना OH, ये OH और इधर ये OH, साइड में और क्या बना CH3OH बन गया, और क्या बना CH3COH बन गया, ये वाला बन गया। अब ये आपने ग्लिप्टल पढ़ा होगा, तो ये ग्लिप्टल टाइप स्ट्रक्चर होगी। आगे रिएक्शन किससे करवाई है, COH का होल ट्वाइज, मतलब ऑक्सैलिक एसिड और पॉलीमराइजेशन। तो ऑक्सैलिक एसिड ये हो गया OH C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये H2O बाहर होगा। पॉलीमराइजेशन करवा रहा हूं तो क्या बनेगा, इधर से ये फ्री हो गया, इसका एच भी चला जाएगा, इधर आपके पास ओ ये सी ओ और ये सी ओ, इसका ओ एच भी जाएगा आगे ये, और यहां क्या रह गया ओ एच और ये एन, ये पॉलीमर आपके पास बनने वाला है। ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां नजर आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एन फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस OCS3 का भी हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड भी दिया हुआ है, सेकंड नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं सेकंड नहीं आएगा, फोर्थ आएगा, यहां इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव ऑक्सिन। तो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट बनेगा क्या, पहले तो ये देखें, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट ठीक है, और यहां पे कोई सा भी ग्लूकोज ले लेता हूं मैं, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव की बात की है, ये लो, और ये ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव हो गया। तो क्या फ्री कार्बोनिल ग्रुप है यहां, पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव मैंने कर दिया है। पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव कैसे किया है, एक एसिटेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, फ्री कार्बोनिल ग्रुप एब्सेंट, यहां कार्बोनिल ग्रुप है नहीं, और ऑक्सिन की जो रिएक्शन है वो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है, यहां फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ये कार्बोनिल नहीं है, ये एस्टर है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डू नॉट फॉर्म ऑक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, तो पहला स्टेटमेंट तो डज नॉट रिएक्ट बोला है, तो स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ग्लूकोज गिव सिप टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, नहीं, ग्लूकोज सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट, सिप टेस्ट और 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ग्लूकोज
ये तीन टेस्ट भैया ध्यान रखोगे, सोडियम बाइसल्फाइट जो एल्डिहाइड का टेस्ट है, 2,4-DNP जो कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट है, और सिप टेस्ट, ये वाले टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता है। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ये बोला है कि ग्लूकोज गिव सिप टेस्ट फॉर एनएलडिहाइड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया, ये सही नहीं है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा बीटा, डेफिनेटली इसके एसिटेल फॉर्म में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दो होते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमीन टू फॉर्म ऑक्सिम, हाँ फ्री में जब ग्लूकोज है, पेंटाएसिटेट है, जब फ्री में है तो रिएक्ट करेगा। फोर्थ ऑप्शन देखना वो ऐसा है, मान लो ये बीटा डी ग्लूकोज मैंने बनाया, ये बीटा डी ग्लूकोज, अब ये हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहां से देखो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, फ्री कार्बोनिल ग्रुप कैन बी जनरेट, फ्री कार्बोनिल ग्रुप कैन बी जनरेट। वो क्यों फ्री कार्बोनिल ग्रुप आया है, क्योंकि यहां हेमी एसिटेल ग्रुप है और हेमी एसिटेल अनस्टेबल होता है और फ्री कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा, इसमें हेमी एसिटेल है नहीं, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो अब अगर फाइनलाइज करें क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर फाइनलाइज करूं क्वेश्चन को तो देखें, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, हमें पूछा है नॉट ट्रू, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू मोनोमर इन माल्टोज, माल्टोज में दो मोनोमर होते हैं और वो कौन से होते हैं उसके रिगार्डिंग पूछा है। तो माल्टोज में दो मोनोमर सबको पता है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास तीन है, आपकी एनसीईआरटी में तीन डाइसेक्राइड है, एक माल्टोज है, एक लेक्टोज है और एक सुक्रोज है। तो माल्टोज तो है वो 2-अल्फा-डी-ग्लूकोज, इससे बनता है, लेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, और सुक्रोज जो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। सबको पता होगा, तो माल्टोज का पूछा तो आंसर जाएगा हो जाएगा, तो सबको पता होगा, ये तो डेफिनेटली जो जेई की तैयारी कर रहा है उसको डाइसेक्राइड की मोनोमेरिक यूनिट याद होगी। तो इसमें मेरे पास कुछ ज्यादा बताने को है नहीं, इसलिए जो था वो मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट प्रोसीड वाया रिएक्शन, बेकेलाइट का प्रोसीड होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डीहाइड्रेशन। एक्सप्लेन कर देता हूं, देखें कैसे होगा। बेकेलाइट जो है वो किससे बनता है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन कैटेलाइज्ड होती है एसिड और बेस से। तो मान लो एसिडिक मीडियम में H+ इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, बनाएगा किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, HCOH, और ये पॉजिटिव और ये H, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है OH, तो देखो इधर से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और ये ऑर्थो पोजीशन से क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और फाइनली यहां बन जाएगा OH CH2OH, ये वाला बन सकता है, या फिर OH CH2OH ये वाला बन सकता है। तो यहां ये अब तक ये स्टेप जो बनी ना वो कौन सी हुई, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अगर बेसिक मीडियम में होगी तो ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, और ये HCOH फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के बाद ये यहां से यहां और ये यहां से यहां और ये अटैक, तो ये भी एरोमेटिक ऑर्थो पोजीशन से अटैक हो रहा है, क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और ये और यहां से CH2O माइनस, यहीं से क्या निकलेगा, H प्लस बाहर, ये वापस यहां से यहां, और फिर H प्लस देने पे ये बन जाएगा।
तो जो पहले जो सब्सिट्यूएंट बनता है और तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन। पहले एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन हुई है, उसके बाद जब नोवोलेक बनेगा या बेकेलाइट बनेगा, ये OH, ये H, ये CH2OH, तो ये H2 बाहर होता है, डिहाइड्रेशन होता है और ये लीनियर चलता है। तो पहले नोवोलेक बनता है, फिर आगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाता है, बेकेलाइट बन जाता है। इसी बेस पे मैंने आंसर दिया है और वो दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन इन डिहाइड्रेशन। ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन और ये यहां से यहां ये H2O बाहर हो रहा है, इसको क्या बोलूंगा, डिहाइड्रेशन। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए केमिस्ट हैज 4 सैंपल ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर ए बी सी एंड डी टू आइडेंटिफाई दीज सैंपल ही परफॉर्म्ड सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स एंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कोई केमिस्ट है जिसके पास 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर है ए बी सी डी, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके बारे में बोला हुआ है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ए एंड डी, जो ए और डी है, बोथ फॉर्म ब्लू वॉयलेट कलर विथ निनहाइड्रीन। तो निनहाइड्रीन टेस्ट है किसका, प्रोटीन का, मतलब टेस्ट फॉर पेप्टाइड लिंकेज। एंड डी बोथ फॉर्म ब्लू वॉयलेट कलर, निनहाइड्रीन टेस्ट के लिए पॉजिटिव है ए और डी, तो इसका मतलब ए और डी जो है वो ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिनमें पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है, जिनमें पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो ए और डी, आगे मैं यहां कंक्लूजन लिख रहा हूं, ये देखना, ए एंड डी पेप्टाइड लिंकेज हैविंग, ये पेप्टाइड लिंकेज वाली हो गई। ठीक है, पीछे आओ। लेसाने एक्सट्रैक्टेड ऑफ सी गिव पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट एंड नेगेटिव Fe4 APCN6 3 टेस्ट, प्रुशियन ब्लू, दिस इज प्रुशियन ब्लू कलर टेस्ट, मतलब नेगेटिव AgNO3 टेस्ट है, AgNO3 टेस्ट है, तो मतलब हैव हैलोजन, क्योंकि AgNO3 के साथ व्हाइट पीपीटी आती है, तो इसका मतलब है कि वो हैव हैलोजन। किसके पास है, सी के पास, सी के पास हैलोजन है, सी वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसके पास हैलोजन है, ये पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट, एंड नेगेटिव Fe4 APCN6 3 टेस्ट, ये है नाइट्रोजन का टेस्ट। जाओ 11th क्लास की NCERT में ये सारे टेस्ट दिए हुए हैं, तो ये मतलब हेलोजन है बट उसके पास नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए नेगेटिव है यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब सी हैव हेलोजन, सी हैव हेलोजन। नेक्स्ट, लेसाने एक्सट्रैक्टेड ऑफ बी एंड डी गिव पॉजिटिव सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट है, टेस्ट फॉर सल्फर, सल्फर, तो इसका मतलब बी और डी जो है वो सल्फर कंटेनिंग है, बी एंड डी येलो। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, यहां पे एक बार स्क्रीनशॉट ले ले कि कौन सा टेस्ट किसके लिए है, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, आगे हमारा ये चल रहा है तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ए और डी पेप्टाइड लिंकेज, तो पेप्टाइड लिंकेज कौन सी आर्टिफिशियल स्वीटनर में होता है, वो होता है एस्पार्टेम और एलिटेम दोनों में, तो एस्पार्टेम एंड एलिटेम। कार्बन हैविंग हैलोजन, हैलोजन मतलब सी, सी में है वो हैलोजन है, वो होती है सुक्रोज का क्लोरो डेरिवेटिव सुक्रालोज,
सुक्रोज का क्लोरो डेरिवेटिव सुक्रालोज, तो ये वाली है सुक्रालोज, ऑप्शन में है ऐसा हमारे पास, देखें सुक्रालोज है क्या, है सुक्रालोज। सल्फर कंटेनिंग, तो सैकेरिड में भी सल्फर होता है, ठीक है, तो यहां ऑप्शन देखें अपन, ए एस्पार्टेम हो सकता है, बी एलिटेम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी सैकेरिन, सैकेरिन में हेलोजन नहीं होता, गलत हो गया, सी सुक्रालोज है, सी सुक्रालोज इसमें है और इसमें है, तो ये तो कट गई भाई, ये ऑप्शन तो कट गए, हमें ये डेफिनेटली पता गया कि सी सुक्रालोज है क्लोरो डेरिवेटिव। अब डी एलिटेम है या एस्पार्टेम है, तो यहां आप देखोगे तो यहां से आपको पता लगेगा कि जो एलिटेम है उसमें सल्फर होती है, एलिटेम जो है वो आल्सो हैव सल्फर, तो ऐसा ऑप्शन अगर देखें तो ऐसा ऑप्शन अपने पास से इसको चेक करते हैं, ए सैकेरिन, सैकेरिन में नहीं, एस्पार्टेम सैकेरिन, बी सैकेरिन, ये लो ये हो गया थर्ड, देखो सैकेरिन में सल्फर होता है, पेप्टाइड लिंकेज नहीं होता, सैकेरिन में सल्फर होता है पेप्टाइड लिंकेज नहीं होता, एस्पार्टेम पेप्टाइड लिंकेज होता है सल्फर नहीं होता, सुक्रालोज क्लोरोडेरिवेटिव है, एलिटेम पेप्टाइड लिंकेज और सल्फर होता है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी आर थ्री बायोमोलिक्यूल द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द देम आर गिवन बिलो, आपको ए बी सी तीन दिए हुए हैं, तो देखो मोलिस टेस्ट जो है वो मैं ये बोलता हूं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, पीछे मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को नेप्थेनॉल और एनएओएच के साथ रिएक्ट करवाते हो तो डल वोइलेट पीपीटी आती है, बारफोई टेस्ट डिस्टिंग्विश या डाइसेकेराइड नेगेटिव मोनोसेकेराइड पॉजिटिव, मतलब मोनोसेकेराइड देते हैं डाइसेकेराइड नहीं देते, और बायोरेट टेस्ट, टेस्ट फॉर पेप्टाइड लिंकेज, टेस्ट फॉर पेप्टाइड लिंकेज, ये पेप्टाइड लिंकेज का क्या है टेस्ट है। ठीक है अब देखते हैं, बोल रहा है कि ए जो है वो मोलिस टेस्ट पॉजिटिव मतलब कार्बोहाइड्रेट है, बारफोई टेस्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके लिए होता है डाइसेक्राइड के लिए, डाइसेक्राइड है, बायोरेट टेस्ट नेगेटिव मतलब उसमें पेप्टाइड लिंकेज नहीं है, तो एक क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो मोनोसेक्राइड है, सॉरी मोलिस टेस्ट क्या बोल रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट है, बोरफोई टेस्ट मोनोसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड, तो एक कार्बोहाइड्रेट और मोनोसेक्राइड होगा, ए जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा और मोनोसेक्राइड होगा, डाइसेक्राइड होगा सॉरी, क्योंकि नेगेटिव बोला है ना, डाइसेक्राइड नेगेटिव, तो कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, तो थर्ड ऑप्शन कट गया क्योंकि ये चारों ही कार्बोहाइड्रेट थे, पर थर्ड में क्या है ये मोनोसेक्राइड, तो ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ ऑप्शन आपके पास बच गया। ए इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ए सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, पर चलता रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें क्वेश्चन नंबर हम चल रहे थे 40 पे,
चलो ये पढ़ रहे थे अपन, ओके। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, ये इसके नया नया काम है तो ये बटन कौन सा दब गया पता नहीं, पर आ गए वहीं पे जहां अपन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलिस टेस्ट बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट है, बारफोइड टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है बट डाइसेकेराइड है। अगर बोरफोइड टेस्ट पॉजिटिव लिखता तो इसका मतलब वो मोनोसेकेराइड होती, और बायोरेट टेस्ट पेप्टाइड लिंकेज, मतलब पेप्टाइड लिंकेज एब्सेंट है। तो ए क्या है? ए एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि डाइसेकेराइड होगी, तो वो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तीन ऑप्शन में है, थर्ड को काट दिया। फिर बी क्या है? मोलिस टेस्ट पॉजिटिव मतलब वापस से कार्बोहाइड्रेट है, बोरफोइड टेस्ट पॉजिटिव मतलब अब क्या है वो मोनोसेकेराइड है, और बायोरेट टेस्ट नेगेटिव, तो अब आपका बी जो है वो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड, तो वापस ऑप्शन यही है। फिर बोल रहा है कि बायोरेट टेस्ट नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सी जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बोरफोइड नेगेटिव नहीं है, बायोरेट टेस्ट पॉजिटिव मतलब पेप्टाइड लिंकेज वाला है। तो ऐसा आप अगर देखोगे तो एल्बुमिन जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन का टेस्ट है ये बायोरेट टेस्ट, एल्बुमिन प्रोटीन है, ये ग्लूकोज हो गया, ये लैक्टोज हो गया, आंसर जाएगा फोर्थ। और ये टेस्ट जो है वो ऑलरेडी में इसी पेपर के डिस्कशन में पीछे मैंने डिस्कस किए हैं कि कौन सा टेस्ट क्या है। तो आप शुरू से अगर देखोगे तो जहां जहां क्वेश्चंस में इनके बारे में बात हुई वहां में एक क्वेश्चन में इनके बारे में टेस्ट के बारे में बात कर चुका हूं, फिर भी आपको टेस्ट पूरे आने चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सभी को आता होगा, विच पॉलीमर हैज कायरल मोनोमर। तो देखो PHBV जो है वो है पॉली, इसकी दो यूनिट होती है 3-hydroxybutanoic एसिड और एक होती है 3-hydroxypentanoic एसिड। ऐसा क्या होता है कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम यही नहीं आती है, सामने कैमरे के सामने भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, तो 3-hydroxybutanoic एसिड ये हुआ 1-2-3-OH, तो कायरल सेंटर आ गया, सबको पता होगा। और पेंटेनोइक एसिड बोलूंगा तो ये पेंटेनोइक एसिड, इसके 1-2-3 यहां भी OH, यहां भी कायरल सेंटर आ गया, तो सेकंड। तो ये था कार्बोक्सिलिक सॉरी पॉलीमर बायोमोलिक्यूल में प्रीवियस ईयर के जेई मेन में जितने क्वेश्चन आए हुए थे 2019 एंड 2020 में, 2020 का जनवरी का स्लॉट हुआ है, 2019 का जनवरी और अप्रैल दोनों के स्लॉट हुए हैं, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। और बेसिकली मेन और जो पार्ट जो आ रहा है क्वेश्चन का वो एनसीईआरटी से आ रहा है, तो एनसीईआरटी आपकी पूरी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा एग्जाम दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टाटा बाय बाय, थैंक यू।